हेलो फ्रेंड्स, आज एक गणेश जी बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले नेचुरल मिट्टी ले लिया, इस मिट्टी से आप लोगों को कुछ एकदम फटाफट कुछ बना के दिखाता हूँ। गणेश जी पूजा आ गया, तो पहले एक काम करना पड़ेगा, एक बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फटाफट आप ऐसे इसको बेस बना लीजिए, ठीक है ना। देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगी, एकदम आसानी से सबसे इजी तरीका से आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे पहले बेस हो गया, उसके ऊपर आपको पैर बनाना पड़ेगा। तो आपके पास जितना मिट्टी है उसको पहले डिवाइड कर लीजिए, उस हिसाब से आपको पूरा मूर्ति का काम कंप्लीट करना है। ऐसे करके इसके बाद आपका पैर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे लोई बना के आप दोनों साइड में ऐसे आप बिठाएंगे, तो ऐसे पैर दोनों साइड में आप इसको बेंड कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, ये छोड़ देते हैं आप लोग, तो ऐसे इसको नहीं छोड़ना है, ये पीछे का तरफ आपको ज्वाइंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पीछे का तरफ कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना। ऐसे तरफ आप पीछे का तरफ अच्छा से ज्वाइंट करेंगे, इसके साथ मिला दीजिए बेस का साथ, ताकि आपका देखिए आगे का तरफ जो भी ऐसे छोड़ के रखेंगे ये टूटेगा नहीं। इसका अंदर में भी आप इसको ज्वाइंट कीजिए, क्योंकि ये दिखाई भी नहीं देगा और आपका काम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये टूटने का चांसेस एकदम नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया, अभी इसके ऊपर बॉडी बनाना पड़ेगा। तो बॉडी के लिए भी मिट्टी देख लीजिए, आपको कितना मिट्टी है उस हिसाब से एक बार मेजरमेंट देख लीजिए, ये मेरे को इतना यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। इसको गोलाई करिए, ऐसा करके राउंड हो गया। अभी इसके ऊपर यहाँ पे बिठाइए, ऐसे दबा के बिठाइए, देखिए ऐसे ही मत छोड़िए, इसमें भी पीछे का तरफ ऐसे इसको अच्छा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। जब तक अच्छा से ज्वाइंट नहीं करेंगे, ये आपका काम कंप्लीट होने का बाद भी सूख जाएगा और ये टूट जाएगा। देखिए, मेरे पास बहुत सारा फोटोग्राफ आया जिन्होंने बनाया और मेरे को फोटोग्राफ भेजा। ये देखिए, छोटा सा स्पॉन्ज का टुकड़ा ऐसे रख के इसको ऐसे आप पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपका ज्वाइंट एरिया अच्छा से स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास बहुत सारा फोटोग्राफ आया जिन्होंने बनाया, लेकिन सभी का वही प्रॉब्लम है आपका टूटने का। बनाया बहुत अच्छा, लेकिन आप उसको रखेंगे सूखने का साथ साथ आपका ये सब टूट जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अभी इसमें ऊपर एक बॉडी पार्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा करके आप ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा लेकर ऐसे इसके ऊपर बिठा दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए, एकदम ऊपर का बॉडी पार्ट भी आपका हो गया। यहाँ पे भी आप पीछे का तरफ अच्छा से ज्वाइन कीजिए। देखिए, मैं आगे का तरफ कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ साइड और पीछे का तरफ मैंने इसको एकदम लेवल कर रहा हूँ, ताकि आपका जो मूर्ति है ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और मूर्ति टूट जाएगा, इसके लिए आर्मेचर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान भी आपको देना है। अभी क्या, यहाँ पे कपड़ा का कुछ पार्ट भी आप बना सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा कॉइल
ऐसे छोटा छोटा कॉयल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देखिए मैं कैसे डाल रहा हूँ, ये तो यहाँ पे दो फायदा है, एक तो धोती का ये लाइन अच्छा से हो जाएगा, और दूसरा जो है आपका ये जगह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, ये देखिए पैर टूटने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए अभी भी मैं टूल्स यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी भी पूरा हाथों में काम चल रहा है। ये इधर भी सेम तरीका से इसको बिठाइए और इसको लगाइए। अभी भी देखिए मैं टूल्स यूज नहीं किया, पूरा फ्री हैंड में हो रहा है, और ये जगह देखिए एकदम चिपक गया अच्छा से, ये एकदम मतलब टूटने का एकदम चांस जितना भी था वो भी ख़त्म हो गया, मतलब आपका ये काम टूटेगा नहीं। ठीक है, अभी देखिए टूल्स में क्या करना है, ये जो जगह है ये थोड़ा सा ऐसे करके इसको लाइन देना है ताकि कपड़ा और बॉडी का ये अलग हो जाए। ठीक है, ये देखिए हो गया, इसमें लाइन भी दे दीजिए, एक दो ऐसा करके, धोती का जो लाइन है ऐसा करके आप दे सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, हाथ बनाना है। चलिए दोनों हाथ इधर बनाता हूँ, तो ऐसे सेम लंबा कॉयल बनाना पड़ेगा, तो इसमें थिकनेस देख लीजिए। मैं देखा जिन्होंने मेरे को फोटोग्राफ भेजा, बहुत सारा फ्रेंड उन्होंने हाथ को पतला हो गया, तो ये पतला नहीं होना चाहिए, बॉडी का साथ कितना मोटा रखना चाहिए, कितना लंबा रखना चाहिए वो आपको देखना है। ठीक है ना, ये देखिए इतना तो चाहिए, तो इसीलिए आप इसको मेजरमेंट ले लिया, इसको ठीक कीजिए और ऐसा करके इसको लगाइए ऐसे, और ये हाथ में आप मिठाई और कुछ बिठाएंगे, तो इसलिए ऐसा करके आप हाथ को रख सकते इस पोजीशन पर। ठीक है, और दूसरा पोजीशन, दूसरा हाथ को लगाना, सेम सिचुएशन, इसमें भी आपको ऐसे लगा के ऐसे, और यहाँ पे 80 बार मुद्दा छोड़ के एक्स्ट्रा मिट्टी जो है आपको कटिंग कर लेना है, ऐसा करके इसको रख दीजिए। अभी बॉडी पार्ट में जहाँ पे जॉइंट हुआ उस जगह को आप अच्छा से इसको मिला दीजिए, जॉइंट कर दीजिए। देखिए ये जॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर आपका जो मूर्ति है, ये देखिए हाथ ऐसे आप छोड़ देंगे ना तो ये अभी लगेगा कि टाइट है, लेकिन ये टूट जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, पीछे का तरफ, ये देखिए क्रैक हो गया, ये पीछे का तरफ जहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा उस साइड में आपको ये जगह सब जॉइंट करना है, ये जगह सब जॉइंट करना है जहाँ पे आपका पीछे का तरफ दिखाई भी नहीं देगा और आपका मूर्ति स्ट्रांग रहेगा। ये देखिए आगे का तरफ कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है ना, अभी करना है हेड। अभी हेड बनाने के लिए देखिए तरीका होता है, एक तो है ऐसे करके हेड गोलाई बना के लगा सकते, साइज जितना आपको चाहिए उस हिसाब से लगाइए, जितना बच्चा टाइप का आपको बनाना है, गणेश जी का एज कम बनाना है तो उसमें हेड का साइज थोड़ा मोटा करना है। ठीक है, और एज कम करना है तो हेड को साइज छोटा करना है, तो ये गोलाई यहाँ पे लगाना है। चलिए तो ये गोलाई हो गया, इसको अटैच करना है, ऐसा करके मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। यहाँ पे एक भी एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जैसा मैंने गोलाई लगा दिया तो ये आगे का तरफ कुछ नहीं करेंगे,
ये जितना भी जॉइंट करेंगे सब पीछे का तरफ है ना, तो पीछे का तरफ आपको इसमें मोटा सा ये मिट्टी लेकर यहाँ पे जॉइंट करना है। तो ये टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, और इसमें ऐसा करके पॉलिश कर दीजिए, ठीक है। देखिए आगे का तरफ देखिए, कुछ नहीं हुआ, एकदम फ्रेश है। अभी इसमें कान लगाना है और सूंड लगाना है। तो कानों के लिए क्या करना है, मैंने छोटा छोटा गोलाई ले लेता हूँ। देखिए बच्चा, मैंने बोला बच्चा टाइप का बनाना है, तो इसमें कान थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा और सूंड भी छोटा होगा। देखिए मैं एक बार लगा के देखता हूँ कैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे भी चिपकना है, इस साइड में भी पतला करना है, तो एक ही साथ हमारा चिपक भी गया और ये भी लग गया, हो गया। देखिए बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, पेट बाहर का तरफ है, हेड आगे का तरफ झुका हुआ है, पीछे का तरफ देखिए, पैर देखिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अभी एक काम आप अभी कर सकते, जैसा यहाँ पे कुछ माला वगैरह लगाना चाहते तो इस टाइम पे लगा सकते, क्योंकि जब सूंड लग जाएगा तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए यहाँ पे एक ऐसे कॉइल बना के यहाँ से मैं लगा देता हूँ। देखिए ये भी देखिए, आप लोग ना ऐसे छोड़ देते, ऐसे लगा के छोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको बिठाना पड़ेगा इसके साथ, नहीं तो आपका सूखने का बाद ये भी टूट जाएगा। देखिए जॉइंट पार्ट में भी आपको चाहिए तो ऐसा करके इसको मिला दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी क्या बनाना है, अभी सूंड बनाना है। चलिए सूंड भी देखिए, इसमें भी कन्फ्यूजन है कभी किसी किसी का, तो इसमें क्या है, सूंड को भी देखिए, देखिए ये मोटा रखना पड़ेगा और इधर पतला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इतना सा ले लिया और इस साइड में आपको जॉइंट करना है, तो इस साइड में थोड़ा मोटा रख के इसको पतला कर लिया मैंने, इस साइड में अभी इसमें जॉइंट करना है। देखिए ठीक है, देखिए जॉइंट भी कितना अच्छा होगा, ठीक है। ये जॉइंट आपको मतलब ऐसा नहीं है क्या यहाँ पे चिपक गया और छोड़ दिया, मतलब आपको लगेगा अभी ठीक है लेकिन ये सूखने का बाद टूट जाएगा। तो अभी कौन सा साइड में आपको रखना है उस हिसाब से आप सोच लीजिए और उस साइड में आप घुमा दीजिए अपना हिसाब से, किसी का लेफ्ट साइड किसी का राइट साइड। तो ये हो गया, देखिए इस साइड में आपको क्रैक दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसे टूल से इसको तुरंत ठीक करना है, हो गया। अभी इस साइड में आपको दांत बनाना है, तो दांत भी छोटा छोटा करके इस साइड में आपको दांत लगाना है, तो ऐसे छोटा ऐसे लगा सकते हैं, इस साइड में ऐसा लगाना है तो छोटा ऐसा करके आप लगा सकते हैं, किंतु क्योंकि हम लोग ये बच्चा टाइप का बना रहा हूँ ना, तो इसीलिए आपको छोटा दांत लगाना चाहिए। ये देखिए लगाने के बाद भी ऐसे टूल से इसको ठीक कर रहा हूँ ताकि आपका जॉइंट हो जाए, ठीक है। अभी इसमें क्राउन बना रहा है, क्राउन कैसे बनाते कैसे बनाते, कुछ पगड़ी टाइप का भी बना सकते हैं, तो उसको कैसे बनाए
वहाँ पे भी ऐसे पतला करके फॉयल बना लीजिए और ऐसे हाथों से इसको चपटा कर लीजिए। ठीक है, चपटा हो गया। अभी देखिए ऐसे एक पार्ट और दूसरा पार्ट ऐसे। ठीक है, दूसरे पार्ट ऐसे आप लगा दीजिए। उसके बाद आपको करना है जॉइंट। देखिए पीछे का तरफ आपको जाना है और ये जो एरिया है इसको आपको मिट्टी से और नहीं तो ऐसे आपको पूरा से कवर करना है, नहीं तो आपका पगड़ी भी सूखने का बाद निकल जाएगा। तो ये हो गया टाइट और कुछ नहीं होगा। अभी आगे का तरफ आते हैं। अभी इसमें भी पाकड़ी में भी ऊपर एक पार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सॉलिड बनाता हूँ उसके बाद लाइन दे देता हूँ। ठीक है ना, ये देखिए ऐसे कर लेता हूँ। तो अभी क्या करना है, कुछ टेक्सचर वगैरह यहाँ पे लाइन वगैरह देना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे आपको ऐसा करके देना है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे भी आप लाइन दे सकते हैं। अभी आँखों को बनाने के लिए एक तो है, देखिए थोड़ा सा ऐसे करके भी लाइन दे सकते हैं। दोनों साइड एक साथ बनाना है। ये देखिए एक लाइन, दो लाइन, नीचे का तरफ तीन लाइन, इधर भी दो लाइन, इधर का तरफ तीन लाइन। आप चाहे तो उसमें टूल्स लेकर ऐसा करके कुछ टूल्स हो जाए, या जिसमें अंदर में गड्ढा है, हैं, पेन का सीस होता है वो भी हो जाएगा। ये ऐसा करके आप डाल दीजिए। ठीक है ना, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे भी ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ पे सूंड पे भी लाइन आप दे सकते हैं। बाकी पेंटिंग में भी हो जाएगा, जब पेंट करेंगे उस टाइम भी हो जाएगा। यहाँ पे हाथों का देखिए, यहाँ पे और एक छोटा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसा यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, ठीक है, तीन चार हो गया। और एक फिंगर को हम लोग मिट्टी से बना लेंगे। तो ऐसे छोटा सा ऐसे बना के मेजरमेंट एक बार देख लीजिए कितना चाहिए, उस हिसाब से आपको चाहिए। ऐसा करके आप यहाँ पे लगा दीजिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा, है ना। देखिए मैं कितना अच्छा चिपक रहा, मतलब इसमें बॉडी का साथ इसमें अटैचमेंट अच्छा से होना चाहिए, नहीं तो आपका टूट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप कुछ रख दीजिए, मिठाई का डिब्बा हो, एक मिठाई हो जाए, यहाँ पे एक मिठाई रख दीजिए हाथों पे। देखिए चिपक दीजिए अच्छा से। यहाँ पे भी फिंगर सबको चाहिए, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। और इस साइड में एक फिंगर्स आप जैसा वहाँ पे बनाया था राइट हैंड में, यहाँ पे भी आप बना दीजिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा नेचुरल लगेगा। ठीक है ना, इसमें एक धोती का पार्ट भी यहाँ पे रख सकते, नहीं तो ये जगह खाली खाली लगेगा।
ऐसा करके आप डाल दीजिए, तो सपोर्ट भी हो जाएगा और आपका धोती टाइप का भी ये लगेगा। ये है लाइन डाल दीजिए, ठीक है। पैर का भी लाइन यहाँ से उल्टा साइड में है तो उल्टा साइड में भी आप दे दीजिए, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था ऐसे पेन पेन का उल्टा साइड में जैसे छेद रहता है, इससे भी आप डिजाइन बना सकते हैं। देखिए ऐसे करके आप डिजाइन दे सकते हैं। बाकी ये ब्रास है, ब्रास का पीछे साइड में भी आप और भी डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी इस साइड में कपड़ा का भी लटकन ऐसे दे सकते हैं, जैसा एक साइड में पतला एक साइड में मोटा, ये इधर की तरफ घुसा के ऐसे साइड में आप दे दीजिए, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छा ना लगे आप निकाल दीजिए। यहाँ पे ज्वेलरी भी बना सकते हैं, तो ऐसा करके आप इसको प्लेफुली ये जैसा यहाँ पे ज्वेलरी भी दे सकते हैं। ऐसा करके आप घुमाइए, देखिए कितना अच्छा, मतलब चिपकना बहुत ज़रूरी है। मैं मतलब यहाँ पे एक एक एलिमेंट को बॉडी का साथ अटैचमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपका काम टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करके इसको अभी देखिए थोड़ा सा साफ सुथरा करना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए हल्का हल्का जो गंद, मतलब ये जो लाइन करते टाइम मिट्टी का डस्ट टाइप का आ गया, तो ये भी साफ हो जाएगा, क्योंकि लाइन भी क्लियर होना चाहिए। जो लाइन ये देखिए जहाँ पे क्रैक है उसको मिटा दीजिए कच्चा टाइम पे, नहीं तो ये जितना सूखेगा उतना ये देखिए। आप चाहे तो इस टाइप का सॉफ्ट ब्रास भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं, एकदम हल्का है। ये देखिए हल्का पानी लेकर इसके ऊपर ऐसे ब्रासिंग कीजिए। जैसा कोई कोई मेरे को क्वेश्चन करते हैं इसको पॉलिश कैसे करें, तो ये जितना भी आप ऐसे ऐसे ब्रासिंग करेंगे, देखिए लाइन को फॉलो करके जिस एंगल में लाइन है उसी एंगल में आपको करना है। ऐसा नहीं है ये लाइन इस साइड में है तो आपको इसी साइड में करना पड़ेगा आपको ब्रासिंग। ये देखिए धोती का लाइन इस साइड में है तो आपको इसी साइड में करना है। तो ऐसा करके आप एकदम हल्का पानी लेकर आप इसको ब्रासिंग कीजिए, ठीक है। तो ऐसा करके आप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए जी ये मैंने कैसे बनाया और कैसा लगा। आप लोग भी बनाइए इस टाइप का गणेश जी और घर में इस साल आप लोग पूजा कीजिए, ठीक है। और मेरे को भी व्हाट्सएप कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भी व्हाट्सएप कीजिए, मैं भी देखता हूँ आप लोग भी कैसा बनाया। देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा मास्टरपीस, ट्राई करते 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 होगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अभी भी, आप मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, देखते रहिए, मेरा अपलोडेड बहुत सारा वीडियोस है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारा काम मेरा अपलोडेड है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।
Thank you.